नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बाबा भौमिक, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आइए आज बात करते हैं छोटे छोटे बच्चों के बारे में, जो 1 साल से लेके 2 साल या न्यू बॉर्न बेबी से लेके 2 साल तक की उम्र के हैं। यूँ तो जो बेबी है छोटा, वो तो कुछ प्रॉब्लम आपको बता नहीं पाता है, लेकिन हम पेरेंट्स को ही पता करना पड़ता है कि उनका क्या प्रॉब्लम है। और यूँ तो आप कुछ भी प्रॉब्लम हो तो दौड़े दौड़े चाइल्ड स्पेशलिस्ट या कोई फिजिशियन के पास जाते हैं, लेकिन कुछ अगर होम्योपैथिक दवाई आप घर पे रखें तो बार बार आपको डॉक्टर के पास दौड़ना नहीं पड़ेगा और आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और उसका ग्रोथ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो कॉमनली जो बच्चा को प्रॉब्लम देखा जाता है या छोटे बच्चों को जो मेडिसिन सबसे ज़्यादा लगती है, मैं उन 2 मेडिसिन के बारे में ही बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, इससे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सिर्फ 2 मेडिसिन के बारे में बताऊंगा आपको, जो आप घर में रखें और आपका जो छोटा बच्चा है वो स्वस्थ रहेगा, इससे कोई प्रॉब्लम उसको बड़ा प्रॉब्लम नहीं बनेगा। एक है जो होम्योपैथिक ग्राइप वाटर होता है, ये ऑलमोस्ट हर बच्चे को आप लोग पिलाते हैं। एलोपैथी में अच्छी अच्छी ग्राइप वाटर आपको मिलेगी, लेकिन क्योंकि मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ तो इस हिसाब से मेरे नॉलेज में या मेरे पेशेंट को दिया हुआ जो दवाई मैं देता हूँ उसके बारे में आपको बताऊँगा। वो है विजल कंपनी की बेबी ब्लिस, ये बहुत ही अच्छी ग्राइप वाटर है। इसमें पेप्सिनम और लेसिथिनम दिया हुआ है और ग्राइप वाटर के बाद बाकी जो आपको दवाइयाँ है ये होम्योपैथिक इन्ग्रीडियंट्स है इसमें है, तो ये बहुत अच्छी ग्राइप वाटर है। इससे अगर इसको रेगुलर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच रात को दें तो बच्चा का डाइजेशन ठीक रहेगा, वो उसको जो गैस एसिडिटी ज़्यादा बनता है वो भी कंट्रोल में रहेगा और उसका ग्रोथ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इसका कंटिन्यू सेवन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्राइप वाटर जो है वो इसका एक्शन ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, इसीलिए आपको सुबह शाम हर 8 घंटे या 10 घंटे में दिन में 2 टाइम इसको देना है। तो बेबी ब्लिस फिर से देख लीजिए, विजल कंपनी की है, ये आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा और एक दवाई का मैं रिकमेंडेशन आपको करूँगा, वो है बच्चों को आप बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है पेट में उनको कभी कभी, तो वो बहुत रोने लगते हैं, तो गैस एसिडिटी के कारण भी होता है कभी कभी। ग्राइप वाटर ऐसा देखा गया कि ग्राइप वाटर से वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उस टाइम में क्या एक दवाई देना है। यूँ तो एलोपैथी में आप लोग डिकोलिक या कोलिजा ड्रॉप खिलाते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन कंटिन्यू एलोपैथिक दवाई खिलाना ठीक नहीं रहता है, इससे बहुत साइड इफेक्ट होती है। तो आइए देखते हैं होम्योपैथी में ऐसा क्या दवाई है। ये है बेबी एब्डोमेन ड्रॉप, आपके स्क्रीन पे आ रही है। ये छोटे बच्चों को कोई भी पेट का प्रॉब्लम हो, यानी डाइजेशन का, गैस एसिडिटी का, कोलिक, पेट में जो दर्द होता है, ये सब चीज़ में काम करती है। तो ये दवाई अगर आप घर में रखते हैं, अगर आपका बच्चा रो रहा है कभी, तो देने के तुरंत बाद यानी 15 से 20 मिनट में उसका जो दर्द है वो कम हो जाएगा। लेकिन इसको अगर वो रो रहा है तो 2-3 बार कम से कम खिलाएं, 1 घंटा बाद 2-3 बार खिलाएं, या कभी कभी उसको दिन में 1 टाइम भी दे सकते हैं। इससे उसका एसिडिटी अगर किसी को ज़्यादा हो तो वो नहीं होगा, वरना ग्राइप वाटर खिलाना काफ़ी है। अगर किसी को, कोई बच्चा रोता है बहुत ज़्यादा, उसको दर्द हो रहा है, आपको पता लग रहा है, तो ये बेबी एब्डोमेन ड्रॉप जो MRC कंपनी की है, यानी एम राय चौधरी, ये कोलकाता की कंपनी है, एम राय चौधरी, बहुत अच्छी रिस्पॉन्ड है इन लोगों का। चाइल्ड का जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा अच्छा प्रोडक्ट आता है, तो ये जो मैं है अपने पेशेंट्स को देता हूँ रेगुलर बेसिस पे, वो लोग खिलाते हैं, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके ये जो लेते हैं उनको कभी भी एलोपैथिक जो डॉक्टर है यानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उनके पास खासकर पेट के दर्द के लिए नहीं जाना पड़ता है, ज़्यादातर पेशेंट्स को यही दवा काम करती है। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाई है लेकिन ये दवाई काफ़ी है। तो ये 2 दवाई जो मैंने आपको बताए, एक बेबी ब्लिस और एक बेबी एब्डोमेन, ये दवाई आप घर पे रखें जो छोटा बच्चा है, खासकर 2 साल 2.5 साल से नीचे, उन बच्चों के लिए जो प्रॉब्लम होता है पेट का, डाइजेशन का और गैस एसिडिटी का, इससे आप बचे रहेंगे। इससे आपका बच्चा का ग्रोथ बहुत जल्दी होगा, जो नॉर्मल उसका जो ग्रोथ रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और आपका बच्चा पेट भर के खा पाएगा। अगर गैस एसिडिटी जाता रहे,
उसको डाइजेशन ठीक से नहीं हो तो वो खाना भी देखिएगा आप दूध ठीक से नहीं पिएगा, या दूसरा कुछ आप खिला रहे हैं तो वो भी नहीं खा पाएगा। तो ये छोटा सा जो मेरा वीडियो था छोटे बच्चों के लिए था, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और आपका बहुत ध्यान रखे, खासकर आपके छोटे बच्चों का तो बहुत ही ध्यान रखे, हो सके तो उनके जो सिम्टम्स है सिम्टम्स को पहचानने की कोशिश करें। बच्चा सिम्टम्स जरूर देगा, अगर कान दर्द है तो उस साइड में वो अपना मुंह नहीं फेरेगा ज़्यादा, क्योंकि टच होगा तो उसको ज़्यादा कान दर्द है। पेट में हाथ रखेंगे तो वो रो पड़ेगा। तो ये सिम्टम खुद ब खुद, अगर आप नए नए बने हैं पेरेंट्स तो आपको ये खुद ब खुद पता चल जाएगा सिम्टम्स धीरे धीरे। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काम में लाएगा और फायदा भी पहुंचाएगा। और नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो छोटे बच्चों के बारे में और भी कुछ जानकारी दूंगा जो डेली बेसिस पे उसको उनको प्रॉब्लम होता है। तो नए वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नए व्यूअर अगर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, इससे मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।